Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. राम राम, मेरा नाम है आदित्य और सप्त ऋषि एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ओरा, जिसे काल ओरा भी कहा जाता है, क्या होता है और दिनों का सीक्वेंस इस पर कैसे आधारित है। आप लोगों ने तो कैलेंडर में दिनों का यह सीक्वेंस तो देखा ही होगा कि रविवार के बाद सोमवार आता है, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्रवार के बाद शनिवार। दिनों का यह सीक्वेंस आखिर कैसे डिसाइड हुआ है? उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रत्येक वार एक एक ग्रहों के नाम पर रखा गया है। जैसे रविवार का स्वामी सूर्य है, सोमवार का स्वामी चंद्र है, एंड सो ऑन। रविवार का शाब्दिक अर्थ ही होता है रवि अर्थात सूर्य का दिन, अर्थात वह दिन जिसमें सूर्य का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हो। अब देखिए, ये है हमारा सौर मंडल और यह है पूरा जोडियक बेल्ट। सिंपल शब्दों में 12 राशियों का ग्रुप और यहाँ चंद्रमा पृथ्वी से देखने पर सारी राशियों का चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है और यही चक्कर शनि को पूरा करने में 30 वर्ष का समय लगता है। सोचिए, जो काम चंद्रमा 27 दिन में करता है वही काम शनि को करने में 30 वर्ष लगते हैं। इसलिए शनि को देरी का कारक माना गया है। वह कुंडली में जिन भी चीजों पर अपना इन्फ्लुएंस डालेगा वह देरी करेगा। ऐसे ही सभी ग्रहों के 12 राशियों के चक्कर लगाने के समय अलग अलग होता है। देखिए, सूर्य को 12 राशियों का चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं। सूर्य जोडियक बेल्ट का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि सूर्य 365 दिन में जोडियक बेल्ट का चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा को लगभग 27 दिन लगते हैं, मंगल को लगभग 687 दिन लगते हैं, बुध को 88 दिन लगते हैं और गुरु को 12 वर्ष लगते हैं, शुक्र को लगभग 225 दिन लगते हैं और शनि को लगभग 30 वर्ष लगते हैं। देखिए, यहाँ सभी ग्रहों के चक्कर लगाने का समय दिनों में है, परंतु गुरु तथा शनि को 12 राशियों का चक्कर लगाने में वर्षों का समय लगता है। अतः यह दोनों ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालने के लिए इन दो ग्रहों का ही इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में दो सूर्योदय के बीच के समय को ही एक वार अर्थात वीक डे कहा जाता है। इसी प्रकार आगे के वारों का कैलकुलेशन किया गया है, परंतु वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में रात के 12 बजे से दूसरे रात के 12 बजे के बीच के समय को वीक डे माना जाता है। इसी प्रकार सारा कैलकुलेशन होता है। सूर्योदय का समय डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग होता है। सुविधा के लिए हम यहाँ सुबह के 6 बजे का सूर्योदय मान लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में वैदिक वीक डे और मॉडर्न वीक डे में 6 घंटे का अंतर आ गया। अगर इस ड्यूरेशन में किसी का जन्म होगा तो वार चेंज हो जाएगा। देखिए, कुंडली के एनालिसिस में वारिस अर्थात वार के स्वामी का बड़ा महत्व है। जिस वार में आप जन्मे हैं कुंडली में उसका स्वामी जहां भी स्थित है वह यह बताता है कि आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी कैसी रहेगी। देखिए, मेरा जन्म मंगलवार को हुआ है, अतः मेरी कुंडली में मंगल जिस भी कंडीशन में बैठा होगा वह मेरा हेल्थ की कंडीशन को बताएगा। इसका बड़ा महत्व है। अब यदि मेरा जन्म रात के 12 बजे के बाद और सुबह सूर्योदय के पहले हुआ होता तो मैं वेडनेसडे अर्थात बुधवार को कंसीडर करता और मेरा एनालिसिस गलत हो जाता। और आप यदि अंग्रेजों के नियम के हिसाब से चलेंगे तो आपका एनालिसिस भी गलत हो जाएगा। अतः जो व्यक्ति रात के 12 बजे के बाद और सूर्योदय के पहले जन्म लिया है तो वह एक दिन पहले के वार को अपना जन्म वार समझे। अब ऋषियों ने प्रत्येक वार अर्थात दो सूर्योदय के बीच के समय को 24 बराबर भागों में बांटने को कहा है और हर एक भाग एक पर्टिकुलर ग्रह से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मान लीजिए किसी वार का चौथा भाग शुक्र से सबसे ज्यादा प्रभावित है तो हम इसे शुक्र की ओरा कहेंगे। यदि कोई भाग सूर्य से सबसे ज्यादा प्रभावित है तो हम इसे सूर्य की ओरा कहेंगे।
यदि मंगल से प्रभावित है तो मंगल की होरा, और यदि गुरु से प्रभावित है तो गुरु की होरा। बेसिकली ये होरा शब्द और रात्रि से मिलकर बना है। अहो का मतलब होता है दिन और रात्रि का मतलब होता है रात, और होरा कुछ नहीं बस इसी का शॉर्ट फॉर्म है। देखिए मुहूर्त चिंतामणि में मेंशन है कि होरा का टाइम ड्यूरेशन 2.5 घटी है। एक घटी या घड़ी 24 मिनट की होती है, तो एक होरा 2.5 × 24 मिनट अर्थात 60 मिनट की होगी, अर्थात एक होरा बराबर 1 घंटा। हमेशा याद रखिए सूर्योदय के समय पहली होरा जिस भी ग्रह की चलती है पूरा दिन उस ग्रह का माना जाता है। इस केस में सूर्योदय के समय पहली होरा गुरु की है, अतः यह दिन गुरुवार है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम किस आधार पर डिसाइड कर रहे हैं कि होरा का सीक्वेंस क्या होगा। हमने पीछे जाना था कि प्रत्येक ग्रह को 12 राशियों का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। चलिए अब इसे स्लो से फास्ट ग्रह के रूप में अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ शनि सबसे स्लो है और चंद्रमा सबसे फास्ट, इसीलिए सबसे पहले शनि की होरा होगी, फिर उसके बाद गुरु की, फिर उसके बाद मंगल की, फिर उसके बाद सूर्य की, फिर शुक्र की, फिर बुध की, फिर चंद्रमा की, चंद्रमा के बाद फिर से शनि की होरा चलेगी, और ऐसे ही साइकिल घूमता रहेगा। अब चलिए फर्स्ट पार्ट में शनि को भर देते हैं, अतः यह शनि की होरा हो गई, और क्योंकि पहली होरा शनि की है अतः यह पूरा वार शनिवार हो गया। अब शनि के बाद गुरु का नंबर आता है तो दूसरी होरा गुरु की होगी, गुरु के बाद मंगल आता है तो तीसरी होरा मंगल की होगी, फिर सूर्य की, फिर शुक्र की, और ऐसे ही सभी ग्रह भरे जाएंगे, और रविवार की अंतिम होरा मंगल की होगी। अब हम जानते हैं कि मंगल के बाद सूर्य की होरा चलेगी, तो अगले सूर्योदय के समय पहली होरा सूर्य की होगी, अतः यह पूरा वार रविवार होगा, और ऐसे ही सीक्वेंस में हम ग्रहों की होरा भरेंगे। अब रविवार की अंतिम होरा बुध की होगी, और बुध के बाद चंद्र आएगा, इसीलिए अग्नि सूर्योदय के समय पहली होरा चंद्र की होगी, और यह पूरा वार चंद्रमा का अर्थात सोमवार होगा, और हम सीक्वेंस में सभी ग्रहों को ऐसे ही भरते जाएंगे। ऐसे ही सातों वारों का सीक्वेंस चलता रहता है। चलिए आप जानते हैं कि होरा का एप्लीकेशन हम कहां कहां कर सकते हैं। उससे पहले पराशर ऋषि का यह श्लोक आप देख लीजिए। यह श्लोक वृहद पराशर होरा शास्त्र के 3rd चैप्टर से लिया गया है। इस श्लोक के पहले लाइन में ऋषि ने होरा का मेंशन किया है, वर्ष मासा होरा नाम पतयो बलिनस्थ, अर्थात वर्षेस यानी वर्ष का स्वामी अपने वर्ष में, मासेस यानी महीने का स्वामी अपने महीने में, वारेस यानी वार का स्वामी अपने वार में, होरेस यानी होरा का स्वामी अपने होरा में उत्तरोत्तर बलवान होता है। देखिए इस वीडियो में मैं यदि वर्षेस और मासेस के बारे में बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि हर एक वर्ष और हर एक महीना का स्वामी कोई न कोई ग्रह बनता है। यह विशेष प्रकार की कैलकुलेशन द्वारा डिसाइड होता है। पराशर ऋषि ने कहा है कि वर्ष का स्वामी अपने वर्ष में 15 षष्ठ्यांश का बल और प्राप्त करेगा। जिस प्रकार फिजिक्स में फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है, उसी प्रकार ग्रह का बल नापने के लिए रूप और षष्ठ्यांश का प्रयोग किया जाता है। पूरे महीने में जो भी ग्रह उस महीने का स्वामी बनेगा उसे 30 षष्ठ्यांश का बल और प्राप्त होगा। वारिस अपने वार में 45 षष्ठ्यांश का बल और गेन करता है। मैंने आपको बताया था कि मेरा जन्म मंगलवार को हुआ है, अतः मेरी कुंडली में मंगल जहां भी बैठा है वहां पर मंगल दूसरों की तुलना में ज्यादा बली हो गया, और होरा का स्वामी अपनी होरा में 60 षष्ठ्यांश का बल प्राप्त करता है, अर्थात पूरा एक रूप। अर्थात मेरी कुंडली में मेरा होरा लॉर्ड जहां भी बैठा होगा वहां उसे पूरी एक रूप का बल मिलेगा। देखिए कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई भी ग्रह अपने परम उच्च अंश पर बैठा होता है, अर्थात किसी भी ग्रह के लिए इससे अच्छा पोजीशन हो ही नहीं सकता, तब जाकर उसे 60 षष्ठ्यांश यानी पूरे एक रूप का बल प्राप्त होता है, और होरा के स्वामी को एक रूप का बल वैसे ही प्राप्त हो गया। यह तो जन्म के समय की बात है। सपोज आज मंगलवार है, सबकी कुंडली में जहाँ भी मंगल बैठा है तो इस पूरे दिन मंगल सामान्य से ज्यादा एक्टिव रहेगा। यदि इस समय सूर्य की होरा चल रही है तो इस 1 घंटे के ड्यूरेशन में आपकी कुंडली में सूर्य सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, और सूर्य जिन जिन अच्छे बुरे कॉम्बिनेशन में शामिल है
उन कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट को डिलीवर करने की क्षमता इस एक घंटे में सूर्य के पास सबसे अधिक होगी। देखिए, सूर्य मेडिसिन का कारक है, इसलिए जब कभी भी आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट इत्यादि के लिए जाते हैं तो सूर्य की ओरा में जाइए, आपको ट्रीटमेंट का लाभ सामान्य से ज्यादा मिलेगा। देखिए, बुध को कुबेर से एसोसिएट किया गया है, इसीलिए बुधवार के दिन बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए बोला गया है। ऐसा क्योंकि बुधवार के दिन बुध बलि होता है। परंतु यदि किसी कारणवश बुधवार का समय निकल जाए तो क्या आप एक हफ्ता वेट करेंगे? तो ऐसे में आप किसी भी दिन बुध की ओरा में पैसा जमा कर सकते हैं। ओरा में ग्रह वार से ज्यादा ताकतवर होता है। देखिए, मंगल कर्जे का कारक होता है, अगर आप मंगलवार को कर्ज लेंगे तो मंगल बहुत ज्यादा बलि हो जाएगा और आपको और ज्यादा कर्ज में डुबा देगा, इसलिए इसे अवॉइड किया जाता है। यदि आप मंगलवार को अवॉइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मंगल की ओरा को भी अवॉइड करना ही करना है। मंगल लड़ाई झगड़े का भी कारक है, पता चला आप मंगल की ओरा में मामला सुलटाने चले और बढ़ा के आ गए। देखिए, शनि देरी के कारक है, यदि शनिवार को किसी को आपने पैसा दे दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सामने वाला समय रहते पैसा न लौटाए। परंतु यदि आपने शनि की ओरा में किसी को पैसा दे दिया तो 100% चांस है कि सामने वाला समय रहते पैसा न लौटाए, क्योंकि ओरा वार से ज्यादा बलि होता है। इसलिए आप वार को भले ही प्रायोरिटी न दे परंतु ओरा को कभी अवॉइड न करिएगा। देखिए, ये मूर्त चिंतामणि के चैप्टर 1 का श्लोक है। इस श्लोक के पहले लाइन में ओरा का मेंशन है, जिसका मतलब है कि जो कार्य जिस वार में निर्धारित किया गया है यदि वह आवश्यक है तो उसके ओरा में करने को महर्षियों ने कहा है। एग्जाम्पल के लिए यह नक्षत्र का टेबल देखिए। आप लोगों ने गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग के बारे में तो सुना होगा, अर्थात जिस दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो और उसी दिन गुरुवार हो तो गुरु पुष्य योग होता है, और यदि उसी दिन रविवार हो तो रवि पुष्य योग होता है। यह योग शुभ कार्य करने हेतु अच्छा होता है, लेकिन दिक्कत यह आती है कि यह योग साल भर में 4-5 बार ही आते हैं, तो क्या हम शुभ कार्य के लिए 4-5 महीना इंतजार करेंगे? इससे अच्छा है कि यह देखिए कि प्रत्येक महीने में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में किस दिन जा रहा है और इस ड्यूरेशन में सूर्य और गुरु की ओरा कब चल रही है। उस एक घंटे में यदि आप अपना कार्य करते हैं तो आपको रवि पुष्य अथवा गुरु पुष्य योग जैसा ही फल मिलेगा। मान लीजिए किसी को अमृत सिद्धि योग की आवश्यकता है। अमृत सिद्धि योग तब बनता है जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है और उस दिन मंगलवार है, तो आपको बस यह देखना है कि हर महीने चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में कब आ रहा है और उस समय मंगल की ओरा कब कब है, तो आपको उस एक घंटे में अमृत सिद्धि योग का ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही मुहूर्त के सारे शुभ योग में यदि आपको वार आसपास नहीं मिलता तो आप उसे होरा से रिप्लेस कर सकते हैं। अब कैसे पता करें कि किस समय कौन सी होरा चल रही है? देखिए, जब आप दिक् पंचांग में मुहूर्त वाले सेक्शन में जाएंगे और शुभ होरा क्लिक करेंगे तो ये देखिए होरा निकल के आ गया, परंतु यह कैलकुलेशन सही नहीं है। देखिए, यह दिन और रात का ओरा अलग अलग दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का समय को 24 बराबर भागों में बांटा गया है। इन्हीं 24 बराबर भागों को ओरा कहते हैं, लेकिन दिक् पंचांग में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के समय को 12 बराबर भागों में बांटा गया है और सूर्यास्त से अगले सूर्योदय के बीच के समय को भी 12 बराबर भागों में बांटा गया है। यह कैलकुलेशन तभी सही होगा जब दिन और रात का मान बराबर होगा, परंतु एक्चुअल में कभी दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, और कभी रात छोटी होती है और दिन बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था कि मुहूर्त चिंतामणि में होरा का ड्यूरेशन 2.5 घटी अर्थात एग्जैक्ट 1 आवर बताया गया है। अब जब हम इसे इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं तो दिन की होरा 1 घंटे से ज्यादा होगी और रात की होरा 1 घंटे से कम होगी, और कभी रात की होरा 1 घंटे से ज्यादा होगी और दिन की होरा 1 घंटे से कम होगी। तो इसका सबसे सही कैलकुलेशन जे होरा फ्री सॉफ्टवेयर में है। यहाँ होरा लॉट दिखा रहा है और दूसरा सही कैलकुलेशन एस्ट्रोसेज की इस पेज पर है।
इस पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बस इस सेक्शन में अपना लोकेशन डालना है और आज का ओरा निकल के आ गया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। चलिए अब मिलते हैं किसी और एनिमेटेड वीडियो में। जय श्री राम।